रहीम। इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा फ्रांसीसी सदर के गुस्ताखाना खाकों की हमायत के हवाले से सरापा एहतजाज बनी और तुर्की ने और तुर्क हुकूमत ने ख़ास तौर पे इस ज़मन में लीड ली है और उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की सही तौर पे तर्जमानी की है। पाकिस्तान जो कि खालिस्तन एक नज़रियाती रियासत है और रियासत मदीना के बाद इस्लामी नज़रिए पर बनने वाली दूसरी रियासत है, ये पाकिस्तान की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस ज़मन में न सिर्फ पाकिस्तानियों के बल्कि आलम इस्लाम के जज्बात की तर्जमानी करें। हम ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को इस्लामी ममालिक के सरबराहान से खुद राबता करना चाहिए, दफ्तर खारजा को नहायत फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बरादर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर इस हसास तरीन मामले पर OIC का सरबराही इजलास बुलाया जाए और पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी भी OIC को ऑफ़र करनी चाहिए। ये एक मामूल बन गया है कि आलमी अमन को तहोबाला करने के लिए जो इंतहा पसंद है मिलिटेंट्स या जो दहशतगर्द हैं वो नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमले करते हैं, तो एक मुसलमान के लिए इससे ज़्यादा अजियत और करब हो नहीं सकता। पहले ये मामला मखसूस इंतहा पसंदों तक महदूद था, लेकिन पहली बार एक रियासत के सदर ने सरकारी सतह पर गुस्ताखाना खाकों की खुल्लम खुल्ला बेईमाना बरहना हमायत की है, जो हम समझते हैं कि स्टेट टेररिज्म है। वक्त आ गया है कि इस्लामी ममालिक के सरबराहान OIC के प्लेटफॉर्म से और अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी कुव्वत से अपनी आवाज़ बुलंद करें, और अगर ये इस काबिल भी नहीं है तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान को जो बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है, बल्कि आबादी के लिहाज से अगर बांग्लादेश की पॉपुलेशन बढ़ गई है तो तीसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए और मुझे यकीन है कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक के सरबराहान इस ज़मन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमनवा बन सकते हैं। इसमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने इख्तलाफात को बलाए ताक रख कर अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी इस्लामी बरादरी को इकट्ठे होना चाहिए। इसी तरह एक जॉइंट रेजोल्यूशन हुआ है कौमी असम्बली में, लेकिन ये बहुत नाकाफ़ी है। जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए, जो बाज़ औक़ात ऐसी लेजिस्लेशन पर भी बुला लिया जाता है जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होती और बुलडोज किया जाता चीज़ों को, बट एक जॉइंट सेशन आप बुलाएं और उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के रेजोल्यूशन पेश करें और वहाँ कोई इख्तलाफी बात ना हो सिवाए नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के, ये काम भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हम सब ये महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों ने फिर से सर उठाना शुरू किया है और ताज़ा तरीन वाक़या पेशावर के एक दीनी मदरसे पर वहशियाना हमला है। इससे पहले अफवाज पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सोनल्स पर भी हमले हुए हैं और उनकी शहादतें हुई हैं बड़ी तादाद में। ये लम्हा फिक्रिया है और ज़रूरत इस बात की है कि रियासत के तमाम अदारे और तमाम मुतल्लका एजेंसीज और टॉप ऑफ इट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको दोबारा फोकस में लाए ताकि दहशतगर्दों का सर कुचला जा सके। और ये दोनों इश्यूज ऐसे हैं जिनमें जिन पर कौम के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, कंसेंसस है, वो नबी पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मामला हो
या वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकाबला करने की बात हो, इस पे पाकिस्तानी कौम एक है। वैसे तो हम सारा दिन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और ताकत की रस्सा कशी इस मुल्क में 72 साल से ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कुछ इशू ऐसे हैं जिन पे नेशनल कंसेंसस है। तो जिन इशू पे नेशनल कंसेंसस है उस पे कम से कम हमें इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।